हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन केसरी। तो देखिए, आज मेरी जो वीडियो है, मैं आपको गुलाब के पौधे की कटिंग बताऊंगी कि आप गुलाब के पौधे की कटिंग कैसे लगा सकते हो और आपकी कटिंग 100% सक्सेस होगी। बहुत से क्या करते हैं कि वो कटिंग अपनी लगाते हैं गुलाब की और कटिंग चल नहीं पाती। तो देखिए, मैंने अपने गुलाब की कटिंग की हुई थी, तो मैंने उनसे डंडियाँ ली हैं और इनकी जो है ऐसे मैं छोटी छोटी कटिंग कर दूंगी। इसके छोटा पीस बनाना है मुझे। तो ये देखिए, यहाँ पर ऐसे करके हम इसको कटिंग करेंगे। हमें जो कटिंग के लिए हम गुलाब की जो टहनी लेते हैं वो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, जो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो हमें हार्ड प्रूनिंग लेनी होगी। अगर हम इसकी नरम जो होता है, नरम डंडी जो होती है, हम उसको लेंगे तो वो अच्छे से नहीं चल पाती है, सूख जाती है। तो देखिए, आप ऐसे इसकी कटिंग ले सकते हो। ये मैंने ली है और आप इसको यहाँ से इसको छीलना होगा आपको यहाँ से इतना, और कम से कम इतनी ये मिट्टी में दबानी होगी। तो मैं करके बताती हूँ। देखिए, मैं एक वीडियो हाथ से कैमरे वो मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से जो है मैं कर नहीं सकती इसको, तो मैं भी इसको बताती हूँ आपको करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनकी ऐसे कटिंग की है, यहाँ से ऐसे छिल लिया है इसको। आप थोड़ा देखकर छिले, क्योंकि इसमें कांटे बहुत होते हैं गुलाब के अंदर, जो हमारे हाथ को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो देखिए, ऐसे मैंने हार्ड प्रूनिंग इसकी ले ली है। तो मैं इसको ऐसे थोड़ा पोलोथीन के अंदर, मैंने इसे मिट्टी भरी हुई है, तो अब मैं इनको इसके अंदर लगाऊँगी कटिंग को। कम से कम आपको 2 से 3 इंच मिट्टी में दबानी होगी यहाँ से। तो इतनी मिट्टी में आपको दबाना होगा गुलाब का, क्योंकि जितना आप मिट्टी में इसको ज़्यादा अंदर डालोगे तो उतना ही अच्छे से इसमें फ्रूटिंग होगी। ऊपर की टहनी ऊपर रखे और नीचे का हिस्सा नीचे रखे आप। तो मैं एक पोलोथीन में जो है 2 डंडी लगा रही हूँ, देखती हूँ कौन सी चलती है और कौन सी नहीं चलती। वैसे बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में हम किसी भी पौधे की कटिंग लगाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो होगी। बरसात का मौसम ही पौधों के लिए वरदान होता है और फरवरी का मंथ जो होता है वो भी ऐसे ही होता है। तो ये देखिए, मैंने इनको लगा दिया है। ये हिस्सा थोड़ा ज़्यादा वैसा, तो इसको भी हम मिट्टी में ही दबा देंगे, क्योंकि यहाँ से भी ब्रांचेस निकल सकती है। तो ये, और आप जो मिट्टी बनाते हो इसको देखिए, बिल्कुल नॉर्मल सॉइल होनी चाहिए। इसमें खाद वगैरह आप कुछ भी मत डालें। अगर आप इसमें खाद वगैरह डालोगे तो देखिए आपकी कटिंग जो है सड़ सकती है, क्योंकि कटिंग किसी भी पौधे की आप लगाओ, इसमें सिर्फ सिंपल गार्डन सॉइल होना चाहिए और आप कुछ भी मत ऐड करें। और मिट्टी जो होती है पोलोथीन में जैसे डाली हुई है, पुरानी मिट्टी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ताज़ी मिट्टी डालें, आप ताज़ी मिट्टी भरकर एकदम इसमें मत कटिंग लगाए, तो क्योंकि मिट्टी को नीचे अच्छे से बैठा हुआ होना चाहिए, तो तभी आपकी कटिंग सक्सेस होगी। पुरानी मिट्टी जितनी होगी तो आपकी कटिंग उतनी सक्सेस होगी। ये देखिए, मेरी पुरानी मिट्टी है, इसमें काफ़ी टाइम की भरी हुई है पोलोथीन में, तो मैंने इसलिए इसमें लगा दी है ये। आप इसको जो है 2 से 4 दिन आप इसको छाँव में रखें, और उसके बाद जो है आप इसको डायरेक्ट धूप में रख सकते हो। आपको सिर्फ इसमें नमी बनाकर रखनी है, इसमें ज़्यादा वाटरिंग इसमें मत करें और इसको कटिंग को सूखने भी मत दें। तो आपके 10 से 15 दिन के अंदर ही आपकी कटिंग सक्सेस हो जाएगी। और ये देखिए, जो इसकी एक्स्ट्रा पत्ती है ये मैं भूल गई थी काटनी, तो आप इनको कट कर दें। इसमें पत्तियाँ ठीक अभी नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी हमारी ये कटिंग लेगी तो वो पत्तियों को मिलेगी, तो हम सिर्फ अपनी कटिंग को एनर्जी देना चाहते हैं, अभी इनके लीव्स को नहीं देना चाहते। जो इनकी नई लीव्स निकलेगी तो उनको हम अच्छे से जो है एनर्जी मिलेगी, और इससे जो है हमारे इन कटिंग को भी एनर्जी अच्छे से मिलेगी, क्योंकि जो भी मिट्टी के अंदर इसमें जो भी पोषण बचा हुआ है तो वो हमारी कटिंग को ही जाएगा डायरेक्ट। तो ऐसे हम इनसे लीव्स अपनी हटा देंगे प्लांट से।
कटिंग से। तो आप भी मेरी तरह ऐसे कटिंग लगाएं और अच्छे से सक्सेस होगी, आपकी कटिंग ज़रूर होगी। और आप एक से दो, दो से तीन कटिंग करके लगाएं, आप सिंगल कटिंग मत लगाएं, क्योंकि बाय चांस ऐसा होता है कि कुछ कटिंग नहीं चल पाती। तो ऐसे आप एक ही पोलोथीन में आप कई कटिंग लगा सकते हो जो आपके अच्छे से ग्रो होगी। तो ओके गाइज, ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। आपको अच्छी लगी है तो गुलाब के ऊपर मुझे ज़रूर बताना, और जब इनके ऊपर ये चल जाएंगे तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो ओके गाइज, बाय।